गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू नेट जैरब सॉल्यूशनिस्ट। कैसे हो आप सभी लोग, क्या हाल चाल है? आज का सेशन हमारा शाम को चला था, शाम को 6 बजे, जिसमें हम लोगों ने वेस्ट बंगाल सेट का 2022 का जो पेपर था उसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चन हो गए थे, रेस्ट 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज के सेशन में। अगले आने वाले आधे घंटे में कोशिश रहेगी उसे फिनिश करने की। मुझे बताइए, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सभी लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी डिले के। यस, वेरी वेलकम बैक गाइस, वेरी वेलकम बैक, सभी का पुनः फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आने वाले वेस्ट बंगाल सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस बहुत यूजफुल हैं। किसी भी सेट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, मध्य प्रदेश के डेट्स डिक्लेयर हो गए हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, है ना, इसके अलावा और भी स्टेट्स में होंगे, राजस्थान में भी होंगे, किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो सेट के लिए, तो दिस क्लास इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्योग्राफी क्वेश्चंस तो जहां से मिले वहां से प्रैक्टिस करना चाहिए, पर ये तो बहुत अच्छी बात है कि यूट्यूब पे सारी चीजें आप लोग को मिल रही हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, यहाँ पर मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती हैं। पेड क्लासेस आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ज्योग्राफी की डिटेल सब्जेक्टिव तैयारियां, ऑब्जेक्टिव तैयारियां दोनों ही करवाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अपने फ्री बैचेस भी देख सकते हो, स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं, लगातार क्लासेस वहां पर होती भी रहती हैं। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अकेडमी का अभिषेक जे रेफरल कोड इस्तेमाल करके, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहला क्वेश्चन है, गाइस ऑडियो वीडियो क्लियर है सब लोगों तक? क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज का आपके सामने स्क्रीन पे। जो पहला क्वेश्चन है वह है, एयर है 25 डिग्री सेल्सियस, एयर इज सैचुरेटेड विद 20 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ एयर, इफ द एयर कंटेन 15 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर के जी एट द सेम टेम्परेचर, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है ना, चलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है, बताइए इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली अगर हम बात करें कि एक टेम्परेचर है जो 25 डिग्री सेल्सियस है, सेचुरेशन वाटर डेंसिटी की 20 ग्राम पर केजी है, एक्चुअल वेपर डेंसिटी 15 ग्राम पर केजी है, तो आपसे पूछा क्या गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा गया है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, फॉर्मूला है, जिसमें हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर इज इक्वल टू एक्चुअल वेपर डेंसिटी एंड सेचुरेशन वेपर डेंसिटी, जो कि दिए हुए हैं, कुछ नहीं करना है, वी हैव गिवन वैल्यूज, हमें वैल्यूज को पुट डाउन करना है, इनटू 100 कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो बचता है इसमें आपका क्या, 5 बचता है और इधर 15 बचता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 75% आपका आ जाएगा। बेसिकली हम बात करें तो इसका डी ऑप्शन, का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फटाफट भागेंगे हम लोग ताकि आधे घंटे में 25 क्वेश्चन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सर्व, एक सब बाहरी शहर की क्या वास्तविक विशेषता है, आपसे ये पूछ रहा है।
देखिए, इसका सही ऑप्शन जो होगा एक्स आपकी, जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये देखिए लो डेंसिटी वाला रीजन होता है, लो पॉपुलेशन बेस्ड होता है, सेटलमेंट जो है वो सब अर्बन रीजन के बाहर होते हैं। जैसे ये कोर हो गया किसी भी शहर का, है ना, इसकी परिधि होगी, और इसके भी बाहर आपको मिल जाता है एक्स सब। एक्स सब बेसिकली है ना बाहरी शहर के बाहर, है ना, वो वाला रीजन होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भूगोल में मात्रात्मक तकनीकों का प्रसार करने वाला पहला नेतृत्व किया? मैकार्टी, हैंगस्ट्रैंग, बुंगे या फिर स्टीवर्ट, कौन थे वो? संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, है ना, एक बड़े स्कॉलर्स थे जिन्होंने टाइम स्पेस ज्योग्राफी को दिया है ना, ट्रोजन हैंगस्ट्रैंग। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वीडिश स्कॉलर थे, है ना, स्वीडिश ज्योग्राफर थे ये। अपने वर्क माइग्रेशन, कल्चर, डिफ्यूजन एंड टाइम ज्योग्राफी के लिए जाने जाते हैं, है ना। स्वीडन की यूनिवर्सिटी थी लुंड यूनिवर्सिटी थी, वहां पर ये प्रोफेसर थे बेसिकली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। बताइए इसका आंसर। देखो तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी, जे क्यू स्टीवर्स, जिन्होंने पॉपुलेशन पोटेंशियल ऑफ एन एरिया एज एन एक्सटेंशन ऑफ सोशल फिजिक्स प्रोपाउंडेड किया था। क्वेश्चन नंबर 30। यदि शहरी इकाई में मूल गैर मूल अनुपात एक के बराबर है तो यह इंगित करता है, इफ बेसिक नॉन बेसिक रेशियो इज इक्वल टू वन इज एन अर्बन यूनिट इंडिकेट, क्या हो जाएगा, क्या इंडिकेट करता है ये? देखो इसका सही ऑप्शन है स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रेशियो है बेसिक, नॉन बेसिक रेशियो है ये, इनपुट आउटपुट रेशियो है। 31। देखिए ये क्वेश्चन ट्राइबल पॉपुलेशन है और ये उनके स्टेट्स हैं, क्या सही होगा? देखो हाई ट्राइबल ग्रुप है मणिपुर में, ठीक है, मीडियम हो जाएगा उड़ीसा में, लो हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, और वेरी लो हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में ऐसी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32। हरियाणा और पंजाब में कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कब होता है कंट्री में? व्हेन, जब, जब क्या होता है?
बर्थ प्लस इमिग्रेशन इक्वल डेथ प्लस एमिग्रेशन, जन्म और आप्रवास। देखिए जन्म और मृत्यु, प्रवास और उत्प्रवास जब बराबर हो जाएं तो स्थिर हो जाता है। मतलब जितने लोगों की जन्म हुई, 10 लोग बर्थ लिए, डेथ हो गई 10 लोगों की, 20 लोग आए और 20 लोग चले गए, तो क्या हो गया, बराबर। तो दोनों ही स्थिति में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रहेगी, जीरो रहेगी। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्जिनल सी इन ट्रू सेंस इन इंडियन ओशन। सही अर्थों में कौन सीमांत समुद्र है वो आपको बताना है। अरेबियन, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी। देखिए सीमांत की अगर हम बात करें तो रेड है ये, काफी अंदर है आप देखोगे, है ना, अरेबियन सी में यहाँ पर। देखिए बहुत ही छोटे से स्ट्रेट से ये जुड़ा हुआ है, नैरो से, बाब अल मंडे भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, बाब अल मंडे भी इसको कहते हैं जिससे जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर उपनिवेशवाद के संबंध में त्रि महाद्वीपीय वाद, ट्राई कॉन्टिनेंटलिज्म इन रिलेशन टू पोस्ट कॉलोनिज्म, किसने दिया था ये टर्म। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, रॉबर्ट यंग। ठीक है, 35, इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल इकोलॉजी क्रोपोतकिन डेवलप्ड द आइडिया ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद इन द सोशल ग्रुप्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सामाजिक पारिस्थितिकी के अपने सिद्धांत में क्रोपोतकिन ने सामाजिक समूहों, ये रशियन थे, रशियन ज्योग्राफर थे ये, ठीक है, बहुत ही फेमस थे वहाँ के। इस बार आप लोग को रशियन ज्योग्राफर्स भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए 35 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेच्योर एड, पारस्परिक सहायता की ये बात करते हैं। सांस्कृतिक समूहों के बीच में अगर पारस्परिक सहायता रहेगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो ही क्या हो सकता है, सोशल ग्रुप डेवलप हो सकते हैं। 36, हम्बोल्ट रिजेक्टेड द इडियोग्राफिक पैराडाइम इन फेवर ऑफ एस्टैब्लिशिंग द यूनिटी ऑफ नेचर, हम्बोल्ट कंसिडर रीजंस मेयरली एज अ टूल टू स्टडी द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ नेचर एट अ कन्वीनियंट स्केल। हम्बोल्ट ने प्रकृति की एकता स्थापित करने के पक्ष में जो इडियोग्राफिक पैराडाइम था उसको खारिज किया, और हम्बोल्ट ने क्षेत्रों को केवल एक सुविधाजनक पैमाने के तौर पर, प्राकृतिक एकता विविधता को एक उपकरण के तौर पर देखा। क्या सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, देखिए चूंकि इडियोग्राफिक पैराडाइम के, है ना, फेवर में ये नहीं थे, तो उन्होंने यूनिटी की बात की, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की बात की, है ना, तो सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसको ए जो है सही माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ डेटा ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली लाइज बिटवीन प्लस एंड माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। वेस्ट बंगाल का पेपर टफ आता है, समझ रहे हो, नेट के बराबर आता है बिल्कुल, यूजीसी नेट के सिलेबस का टक्कर का होता है जैसा नेट का पेपर आता है। हल्के में ना ले इसे, अच्छे से तैयारी करें इसकी भी आप लोग। चलो नहीं पता बताता हूँ इसको मैं, देखो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, 66। बेसिकली देखिए
इम्पीरिकल रूल इसे हम कहते हैं, दिस इज द इम्पीरिकल रूल। इम्पीरिकल रूल बेसिकली यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में फॉर फोरकास्टिंग फाइनल आउटकम, है ना, स्टैटिस्टिक्स में। इसको हम कहते हैं थ्री सिग्मा रूल भी, क्या बुलाते हैं, थ्री सिग्मा रूल भी इसे कहते हैं, थ्री सिग्मा रूल। क्या है थ्री सिग्मा रूल, 68, 95, 99.9, 99.7 रूल इसको कहते हैं। इट इज अ स्टैटिस्टिकल रूल विच स्टेट्स दैट फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जर्व डेटा विल फॉल विद इन थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन और एवरेज। ठीक है, देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, जो वैल्यू उसकी आती है अगर वो इस तीन के बीच में रहता है तो इसी को हम इंपीरिकल रूल के तौर पर कहते हैं। इसमें जो इंपीरिकल रूल है वो लगभग 68% ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंडर में ही आता है, इसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। 95% विद इन द टू स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है और 99.7% ये फर्स्ट थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है। और आपसे पूछा क्या गया था, है ना, बिटवीन द वन स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले वाले में, सेकेंड नहीं पूछा, थर्ड नहीं पूछा, तो पहले वाले में क्या था 66, है ना, 68 है बट अप्रोक्सीमेटली कितना दिया हुआ 66, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली डेटा को मानेंगे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। करवा दूंगा मैं जनवरी मंथ में, वेट करिए, मैं सारे स्टेट के सेट पेपर करवाऊंगा गाइस, ठीक है, महाराष्ट्र सेट भी करवाऊंगा, मध्य प्रदेश सेट का पेपर भी करवाऊंगा, राजस्थान सेट का भी पेपर होगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कैसा पेपर आता है। वेस्ट बंगाल का आप देख रहे हो, बिल्कुल भाई नेट में भी काम आएगा। मुझे एक बात बताओ, जब सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, जब पाठ्यक्रम विषय वस्तु एक ही है तो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, वो भी तो सेम ही हुआ ना, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एटलीस्ट हमें खुश होना चाहिए कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। चलिए अब बताइए, देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जियोग्राफिक फीचर्स हैं और ये प्रोसेस के थ्रू होते हैं, ठीक है, कॉकपिट कास्ट लैंडफॉर्म के अंडर में आता है, कास्ट लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट करते हैं, मोलिन ये ग्लेशियल प्रोसेस के थ्रू, रनिल कोस्टल और टैलिक, टैलिक जो है वो पेरी ग्लेशियल के थ्रू बनता है, ठीक, इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है। ये थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, अच्छे क्वेश्चन है, कुछ नया आपको सीखने को मिला आज। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, चलो देखो 39 क्या हो जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट एज पर कॉम्टेस प्रोपोजिशन, कॉम्टे के हिसाब से कौन सा सामाजिक विकास का चरण नहीं है, थियोलॉजिकल मेटाफिजिक्स पॉजिटिव बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्निज्म, डी वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एज पर कुहन्स मॉडल ऑफ डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट द फर्स्ट पैराडाइम फेज इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय विच फेज, कुहन का जो डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट था
प्रतिमान के चरण यहां पर आपसे पूछे गए हैं कि पहले वाले के बाद इमीडिएटली पहले कौन है। देखो पैराडाइम में अगर हम बात करें, इसमें सब गलत गलत दिया हुआ है ऑप्शन, ये गलत था, इसके ऑप्शंस गलत थे, ठीक है, ऑप्शन सही नहीं है। देखिए चार फेज की बात ये करते हैं, पहला होता है प्री साइंस, दूसरा होता है नॉर्मल साइंस, तीसरा होता है क्राइसिस और चौथा होता है रिवॉल्यूशन। इसमें जो पूछा गया है उसमें देखो कहीं से भी सही ऑप्शन नहीं है, क्राइसिस है बट थर्ड पर है, प्रोफेशनलाइजेशन है, प्री पैराडाइम ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। फर्स्ट पैराडाइम फेज है ना, फर्स्ट पैराडाइम देखो यहाँ पर लिखा, वही मैं समझ रहा था थोड़ा सा, ये प्री फेज तो पहला ही है, प्री पैराडाइम फर्स्ट, इमीडिएटली कौन सा आता है उसके पास, उसके बाद आता है नॉर्मल साइंसेज, लेकिन नॉर्मल साइंसेज यहाँ कहीं पर दिया नहीं हुआ इसलिए गलत है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एमपी के लिए भी वही सब कुछ पढ़ना होगा शैली जो आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ते हैं। आप सभी लोगों को मैं ये कहूँगा आप एक स्टैंडर्ड सिलेबस फॉलो करिए यूजीसी नेट का, स्टैंडर्ड सिलेबस, इसमें सब कुछ पढ़ना है, उसी हिसाब के सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। फोर्टी वन देखो, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है ये, रेनफॉल मेजर अगर करना है वेरिएबिलिटी को तो आप कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 42 देखिए, इसमें आपको मैच करना है एक्स स्क्वायर टेस्ट, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, टी टेस्ट, रैंक कोफिशियस, कोफिश रैंक कोरिलेशन है, ठीक है। देखो इसमें भी ऑप्शंस गलत हैं, सही नहीं दिया हुआ है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, समय बर्बाद नहीं करते हैं इसलिए, है ना, गलत ऑप्शंस दिए हुए हैं। बेसिकली अगर हम समझें तो जैसे कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन आपने देखा वेरिएबल को स्टडी करने के लिए, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें नहीं है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए सिग्निफिकेंस लेवल को चेक करता है, ठीक है। और रैंक कोरिलेशन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें नहीं फिट बैठता है किसी से भी। क्वेश्चन नंबर 43, हाँ ठीक है, मार्च में पेपर होने दीजिए, बहुत समय है, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आप लोग नेट के लिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सेट के लिए, बिल्कुल सेम सिलेबस है, फॉलो करिए सिलेबस। सब कुछ सेम होता है, रिजल्ट्स का डेट टाइम सब कुछ, महीना भर मान के चलिए 30 डेज, लेकिन ये कम ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि और ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर। चलो देखो 43, पी वैल्यू क्या हो जाएगा, अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, देख लीजिए क्या है ये, द लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, जिसे हम पी वैल्यू से भी दिखाते हैं, जो रेंज करता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। इफ द स्मॉलर द पी वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एविडेंस दैट वी शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, पी वैल्यू लेस देन 0.05 अगर होता है टिपिकली मोर और लेस इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, इट इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, और आपसे पूछा क्या गया है वही है 0.5 है ये बेसिकली, ठीक है। तो
तो इसका क्या हो जाएगा, अगेंस्ट अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है गाइस, पेपर वन में आपके पूछा जाता है ना, एनटीयू जीसी नेट के ऐसे क्वेश्चंस भी वहां पर आ सकते हैं। 44 वाइडर डिस्पर्सन कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, चलिए देखिए इसका व्यापक जो डिस्पर्सन है उसको हम कैसे और किस तरीके से दिखा सकते हैं, फ्रैक्टाइल कहते हैं इसको, हम फ्रैक्टाइल से दिखा सकते हैं। ये देखिए सब स्टैटिस्टिकल चीजें हैं, थोड़ा इसको पढ़ा जाएगा आने वाले टाइम पे। भी आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशनल ट्राइंगल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर, अवस्थिति त्रिभुज या त्रिकोण, ये शब्द भी यूज करते हैं त्रिकोण। किसने दिया था त्रिकोण का मॉडल, किसका दिया हुआ है ये, है एल्फ्रेड वेबर का दिया हुआ है 1909 में, इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, जूट और सिल्क टेक्सटाइल, कहाँ कहाँ पर इसकी फैक्ट्रीज हैं। हाँ अल्फ्रेड वेबर सही है, देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल कोयम्बटूर में है, वुलेन धारीवाल में है, जूट रिशरा में है और सिल्क मैसूर में है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा संगठन भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स इंडियन टोपोग्राफिकल मैप, कौन तैयार करता है। 1767 में स्टैब्लिश हुआ था, बहुत पहले, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, SOI कहते हैं इसको, हम देहरादून में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सीक्वेंस बताइए ग्लेशिएटेड वैली फ्रॉम हायर टू लोअर एल्टीट्यूड, ऊपर से नीचे की तरफ, सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको, टॉर्न मिलेगा, पैटरनोस्टर लेक मिलेगा, मोरन मिलेगा, फिर डैम लेक, फिर कैटल लेक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 49 देखिए, कोस्ट टेंड टू बिकम सैंडी टू मडी एज टाइडल रेंज चेंजेस फ्रॉम मैक्रो टू मैक्रो, ज्वारी सीमा सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तन में तट जो है रेतीले से मैले हो जाते हैं, मडी हो जाते हैं। इन ट्रॉपिकल कोस्ट मैंग्रोव वेजिटेशन इज कंडूसिव ऑफ डिपोजिशन ऑफ फाइन सेडिमेंट, ट्रॉपिकल कोस्ट क्या होते हैं यहाँ पर, मैंग्रोव मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, इसलिए क्या होता है ये अवसादों के निक्षेपण के अनुकूल होते हैं। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों स्टेटमेंट क्या है अलग अलग है, बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
आज का 50वां और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ ए वाइप्स सेंसर का स्पेशल रिजोल्यूशन? वही मैं आज आप लोग को रिमोट सेंसिंग में बता रहा था कि स्पेशल रिजोल्यूशन पूछता है। हाँ, कोई कोई से नहीं बल्कि सारे ही आंसर सही होंगे, पढ़ने से ही होता है ना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, दिस इज माई नंबर, ओके। ये मेरा पर्सनल है, अनअकैडमी का नहीं है। 188 मीटर की इसकी सेंसर, देखिए ये IRS-1C का है सेंसर, ठीक है, IRS-1C का सेंसर जो है वो बेसिकली है ये 1A-1B। इसमें 3 सेंसर्स हैं, इसको हम पैन कैमरा कहते हैं, पैन क्रोमेटिक कैमरा कहते हैं, पैन। इसमें लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग सेंसर है, लिस इसको कहते हैं हम, लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर। इसमें वाइड फील्ड सेंसर भी है ना, वाइफ्स, वाइड फील्ड सेंसर भी है। और क्या पूछा इसने आपसे, स्पेशल रिजोल्यूशन। ये डेटा कलेक्शन जो है स्पेशल रिजोल्यूशंस में 188 मीटर की है ना, जो हाई जो एरिया स्पेशल वो कवर करता है। ग्राउंड स्वाथ इसका 8-10 किलोमीटर का होता है, 810। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया आपके आज के 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए इस तरीके से। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे अगली क्लास में हम सभी लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको अगर कोर्सेज कवर करने हैं, ज्योग्राफी कवर करना है, अच्छे से सब कुछ पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग, सब आपको डिटेल में मिलेगा। उसके लिए आपको जुड़ना होगा अनअकैडमी पे, मेरे से फॉलो करके आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिए मेरे कोर्सेज चल रहे हैं 2023 के लिए, और आप इन्हें ज्वाइन करके 2023 के लिए अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कोड अभिषेक जी आप लोग यूज़ करें मेरे फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, और पेड क्लासेस में डिस्काउंट कूपन के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जब ये क्लास पूरा हो जाएगा ना तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम का। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।